समाजवादी पार्टी के बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में अब नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव की तस्वीर को ही हटा दिया गया है। गोरखपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चौराहों पर शांतिपूर्ण ढंग से लगाए पोस्टर। गुजरात में हिंदी भाषियों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में पोस्टर लगाए गए। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण भाई तोगड़िया ने लखनऊ पहुंचकर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। लखनऊ से बाराबंकी तक मार्च निकालने की बात भी कही है। पूर्व डीजीपी श्रीराम अरुण के निधन से पुलिस विभाग में शोक की लहर है। पूर्व डीजीपी के आवास पर पुलिस अधिकारियों का तांता लगा है। आईजी एटीएस असीम अरुण के पिता है श्रीराम अरुण। तीर्थराज प्रयाग में जनवरी 2019 में लगने वाले कुंभ को लेकर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। रेलवे ने अब तक यहां 112 करोड़ की लागत से 14 कार्यों को पूरा किया है। मुरादाबाद के गांव बागड़पुर और कस्बे में पट्टी मोहल्ले में नाराज किसानों ने बोर्ड लगा दिया है। इस पर लिखा है कि यहां बीजेपी नेताओं का आना बना है। कानपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया है। पेट्रोल और डीजल के दाम वृद्धि को लेकर हजारों कांग्रेसियों का बैलगाड़ी पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। बीटीसी 2015 चतुर्थ सेमेस्टर का पेपर लीक होने के बाद आजमगढ़ में भी इसका असर देखने को मिला है, जिसको लेकर बीटीसी प्रशिक्षुओं ने चक्का जाम और धरना दिया है। बीटीसी का पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द किए जाने के विरोध में सोनभद्र में बीटीसी प्रशिक्षुओं का प्रदर्शन देखने को मिला। नई परीक्षा तिथि घोषित करने की मांग की गई। बीटीसी परीक्षा रद्द किए जाने से आज बीटीसी अभ्यर्थियों का पारा उग्र हो गया है। सुल्तानपुर में सैकड़ों बीटीसी अभ्यर्थी कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रदर्शन कर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। लखनऊ के निषादगंज स्थित राज्य शैक्षिक मुख्यालय पर बीटीसी छात्रों ने घेराव किया। बीटीसी छात्र पेपर की डेट बढ़ाने को लेकर हंगामा करते रहे। जालौन में सरकार द्वारा बीएड बीटीसी प्रवेश परीक्षा में रोक लगाने से नाराज छात्रों ने आज बीएड बीटीसी की परीक्षा को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में हंगामा काटा। कन्नौज पहुंचे आईजी कानपुर आलोक सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। डकैती की घटना से आईजी ने फिलहाल इनकार किया है। कौशाम्बी में बीटीसी चतुर्थ सेमेस्टर पेपर लीक मामले में सचिव परीक्षा नियामक अनिल भूषण चतुर्वेदी ने डीआईओएस सत्येंद्र सिंह को एफआईआर दर्ज करवाने के निर्देश दिए हैं। डीआईओएस ने मंजनपुर कोतवाली में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। बदायूं जिले में तनाव से दूर रखने के लिए योग वेलनेस सेंटर की ओर से पुलिस परेड ग्राउंड में 2 दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया गया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के नवनिर्वाचित छात्र संघ अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष समेत 17 छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। 2 छात्रों की तहरीर पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच जुट गई है। मुरादाबाद के बझौला में भी वाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हापुड़ में मिट्टी के दीपकों का कारोबार तेज हो गया है। सबली गांव में कई पीढ़ियों से माटी के दीपक बनाने का काम किया जा रहा है। नोएडा में नवरात्रि के साथ रामलीला का मंचन शुरू हो गया है। इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बार आधा दर्जन से ज्यादा जगहों पर रामलीला का मंचन किया जा रहा है। मिर्जापुर में प्रसाद खाने से बुजुर्ग रिटायर्ड प्रिंसिपल की मौत हो गई है। परिवार के 4 सदस्य सचेत हुए हैं। पड़ोसियों को सूचना के बाद सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शाहजहांपुर में दिनदहाड़े बाइक सवार युवक को अज्ञात बदमाशों ने सरेराह गोली मार दी है। युवक ने गोली से घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। लखनऊ में कार सवार शोधों ने बुजुर्ग को टक्कर मार दी है। चौक थाना क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज के सामने की घटना है। खेल का आगाज किया जाए